हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये रीजनिंग की वीडियो में सालोजिज्म की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैं दे चुकी हूँ, तो जिन्होंने फर्स्ट वीडियो को पार्ट वन को नहीं देखा है आप उसे पहले देख लें, उसके बाद इसे देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं उस पार्ट वन की लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, आप वहां जाके देख सकते हैं उसे। तो आइए देखते हैं। आज है पहला कि सभी कार बंदूक हैं। आइए हम लोग बनाते हैं। ये हो गया हमारा क्या, कार। सभी कार, ये टोटल के टोटल सभी कार क्या है, ये बंदूक है। ये हमने लिख दिया, गन लिख सकते हैं, बंदूक, जैसे भी आपको समझ में आए लिख दीजिए। कहता है कोई भी बंदूक सड़क नहीं है, यानी कि बंदूक से कभी भी सड़क का जो सर्किल है वो टच नहीं करेगा। यानी कि सड़क जब भी बनेगा तो हमारा क्या होगा, ये अलग बनेगा। ये देखिए, कोई भी बंदूक सड़क नहीं है, यानी इसका जो सर्किल है, इसका जो बॉर्डर है, इससे ये काफी अलग है, टच नहीं कर रहा ये इसे। ये हमारा बन गया फिगर। इसमें निष्कर्ष क्या कहता है आपका, कि सभी बंदूक कार है। अब देखिए कह रहा है क्या, सभी बंदूक कार है। ये रहा बंदूक का सर्किल और ये इसके बीच में रहा कार। तो क्या ऐसा संभव है कि सभी बंदूक कार है? ये कब पॉसिबल होता, जब फिगर ऐसा रहता कि ये है हमारा बंदूक और ये सारे के सारे बंदूक क्या है, कार है। लेकिन ऐसा फिगर है क्या, नहीं है। यानी ये हमारा क्या है, गलत है। नेक्स्ट है कि कोई भी कार सड़क नहीं है। ये सही है हमारा कि कार हमारा ये सर्किल है और कोई भी कार क्या है, सड़क नहीं है, क्योंकि कार और सड़क दोनों क्या है, अलग है। यानी कि ये हमारा दूसरा सही है। अब एक और चीज, अगर आपको यहाँ समझने में कठिनाई होती है कि सभी बंदूक कार है या नहीं या कुछ बंदूक कार, तो आप इसको एक ट्रिक से समझ लीजिए। ट्रिक क्या है कि अगर बात आए सभी की, तो सभी के लिए आपको सेंटर पॉइंट से बाहर की ओर जाना है, ठीक है। और बात आ जाए जब कुछ की, तो कुछ के लिए आपको क्या करना है कि बाहर से अंदर की ओर आना है। अब देखिए कैसे, यहां कहा गया कि सभी बंदूक कार हैं, तो सभी के लिए हमने क्या बताया कि अंदर से आपको बाहर जाना है। ये सभी के लिए मैं यहां लिख देती हूं, ये चीज हो गया हमारा सभी के लिए, और ये जो हो गया, ये हो गया हमारा कुछ के लिए। अब देखिए ये कैसे सही है, सभी बंदूक कार हैं, यानी नीचे से जाना चाहिए था हमें कि सभी बंदूक कार हैं, यानी कि बंदूक यहां रहना चाहिए और कार लास्ट में रहना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, तो ये हमारा हो गया गलत। अब अगर बात रहता कि कुछ का, तो हमें क्या, बाहर से अंदर। अगर रहता क्या कि कुछ बंदूक कार हैं, यानी बंदूक क्या था हमारा, बाहर वाला सर्किल, और कुछ बंदूक क्या है, कार है, ऐसा रहता तब ये हमारा सही हो जाता, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा आंसर क्या हो गया, पहला तो गलत था, दूसरा सही है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी विद्यार्थी लड़के हैं। ये हमने बना लिया विद्यार्थी, स्टूडेंट से जैसे कहते हैं हम लोग, सभी विद्यार्थी क्या हैं, लड़के हैं। ये बना लिया हमने लड़के, सभी विद्यार्थी लड़के हो गए। कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है, यानी लड़का का जो सर्किल है बाहरी, उससे टच नहीं करता है मूर्ख, यानी मूर्ख कहीं अलग बनाया जाएगा। ये हो गया मूर्ख, विद्यार्थी लड़के और मूर्ख, ये डायग्राम बन गया हमारा। अब पढ़ते हैं, कोई भी विद्यार्थी मूर्ख नहीं है। कोई भी विद्यार्थी, विद्यार्थी का सर्किल यहाँ है, मूर्ख नहीं है, तो मूर्ख तो सही में नहीं है, क्योंकि इसका सर्किल अलग है, यानी पहला हमारा जो है निष्कर्ष वो सही है। दूसरा कहता है इस कक्षा में कोई भी लड़की नहीं है। अब देखिए हमारा जो कथन है, कथन में कहीं भी लड़की की चर्चा की ही नहीं गई है, इसीलिए इसके अनुसार ये निष्कर्ष क्या है हमारा, गलत है, कि इस कक्षा में कोई भी लड़की नहीं है। और हमने पहले वाले चैप्टर में, पहले वाले में पार्ट वन में बताया था कि आपको निगेटिव थॉट नहीं लेना है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे नहीं है तो भी हमने सही किया, वो मैंने इसलिए किया कि जो आपका ये कथन दिया हुआ है उसमें भी आपका निगेटिव थॉट दिया हुआ है, इसीलिए हमें एक बार उस पर ध्यान देना होगा। बट ये जो इस कक्षा में कोई भी लड़की के बारे में निगेटिव थॉट जो दिया गया, ये हमारे इस कथन में नहीं की गई है चर्चा,
करना, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष एक सही है। नेक्स्ट है हमारा कि कुछ चींटियां हाथी हैं, ये हमने बना लिया कुछ चींटियां, ये हो गई चींटियां। कुछ चींटियां हाथी हैं, ये हो गया हमने बना लिया हाथी। और कहता है कि कुछ हाथी पेंसिल है, तो कुछ हाथी को हमने बना लिया क्या, पेंसिल। अब देखिए इसका एक और फिगर बन सकता है, कैसे ये मैं बताती हूं। कहा गया कि कुछ चींटियां जो है, या मैं यहां बना देती हूं आपको क्लियर से दिखेगा, ये हो गई चींटियां। कुछ चींटियां हाथी, यहां तक तो हमारा फिगर सेम बना। अब कहा क्या, कुछ हाथी पेंसिल है, तो हम कुछ हाथी को यहां से भी तो सर्किल बना सकते हैं, ये हो गया हमारा पेंसिल। इस तरीके में हमारा दो फिगर बनता है। अब देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। अब देखिए कहता है कुछ चींटियां पेंसिल है, कुछ चींटियां, ये चींटी का सर्किल है, कुछ चींटियां पेंसिल का सर्किल, यहां दोनों तो टच भी नहीं कर रहा, यानी पहला अनुसार क्या है हमारा, ये गलत। बट जब हम इस फिगर में आते हैं तो इस फिगर के अनुसार तो क्या है, कुछ चींटियां पेंसिल भी है, ये वाला भाग। तो इसमें क्या है गलत और इसमें क्या है सही, बट ये टू माइंडेड हो गया। तो टू माइंडेड जब हो जाएगा तो हमें इसको नहीं लेना है, ये हो गया हमारा रॉन्ग। अब कहता है कुछ पेंसिल चींटियां हैं, कुछ पेंसिल चींटियां, कुछ चींटियां पेंसिल हो या कुछ पेंसिल चींटियां, दोनों तो एक ही बात हो गई, बस अलट पलट के कह दिया गया है। तो जब ये ही सही नहीं हुआ हमारा, तो ये सही ऑब्वियसली नहीं होगा, ये भी सही, क्योंकि इसमें आपका सही इसके अनुसार तो नहीं होता है, कुछ पेंसिल चींटियां है बट इसके अनुसार से होता है, तो ये भी टू माइंडेड हो गया। यानी इन दोनों में से कोई भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो इसके अनुसार हम आंसर लिखेंगे कि दोनों गलत है, यानी कि ना तो निष्कर्ष एक निकलता है और ना ही दो निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ लड़के चमगादड़ हैं, ये हमने बना लिया लड़के, कुछ लड़के चमगादड़ हैं, ये हो गया हमारा चमगादड़। अब कहता है कुछ चमगादड़ उड़ते हैं, तो इतना सा चमगादड़ क्या है, कुछ चमगादड़ उड़ते हैं, इसका भी फिगर क्या बनेगा, दो बनेगा। मैंने जितने भी सवाल दिए हैं करीबन उसके एक दो तीन रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इसका हम बनाते हैं कुछ लड़के, ये हमने बना लिया लड़के, कुछ लड़के क्या है, चमगादड़। अब क्या कहता है, कुछ चमगादड़ उड़ते हैं, तो इसका फिगर हम ऐसे भी बना सकते हैं कि कुछ चमगादड़ उड़ते हैं। अब आते हैं हम लोग निष्कर्ष पे, कुछ चमगादड़ लड़के हैं, यहाँ पे देखिए ये हो गया चमगादड़ का सर्किल, और इसमें से इतना सा भाग क्या है, लड़के, ये तो सही हो गया हमारा। और जब इसमें सही है तो इसमें भी वही फिगर है कि इतना सा भाग हो गया चमगादड़, इसमें से कुछ भाग क्या है, लड़के, तो ये भी हमारा सही है, दोनों फिगर में ये सही है। अब आ जाइए कुछ लड़के नहीं उड़ते हैं, तो हमने पहले ही वीडियो में क्या बताया कि निगेटिव थॉट हमें नहीं लेना है, लेंगे कब, जब हमारे कथन में निगेटिव हो, बट इसमें कथन में तो ऐसा नहीं वाला कुछ कहा नहीं गया है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, इसे नहीं लेंगे। और ऐसे भी कुछ लड़के नहीं उड़ते हैं, तो ये भी हमारा क्या होता है कि इसमें कुछ उड़ते हैं इसमें कुछ नहीं, तो ये भी हमारा टू माइंडेड हो जाता है। तो ये तो पहला नंबर तो निगेटिव थॉट है, तो आप इसे ऐसे ही काट सकते हैं बिना चेक किए हुए। तो इसके अनुसार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि केवल एक निष्कर्ष निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ अध्यापक छात्र हैं, तो हम बना लेंगे पहले कुछ अध्यापक, अध्यापक मीन्स टीचर, ये हमने बना लिया अध्यापक। कुछ अध्यापक, कुछ अध्यापक को हमने ले लिया, ये क्या है, छात्र हैं। और सभी छात्र क्या हैं, लड़कियां हैं, ये सारे के सारे छात्र क्या हैं, ये सारे के सारे लड़कियां हैं, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए रहेंगे जिसमें हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन को देखा कि उसमें दो ही निष्कर्ष थे, आपको दो से ज्यादा भी दिया जा सकता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, जैसे हम उसमें बनाते थे उसी वैसे ही हम लोग इसे ही बनाएंगे। तो देखिए कहता है कि सभी अध्यापक लड़कियां हैं,
सभी अध्यापक। अब देखिए ये सर्किल है आपका अध्यापक का, सभी अध्यापक लड़कियां हैं, जबकि लड़कियों का सर्किल तो आपका यहाँ हाफ ही आके खत्म हो गया। सभी अध्यापक लड़कियां तब होती जब इस अध्यापक के सर्किल को इन कर लेता ये अंदर में, तभी। तो इसके अनुसार क्या है हमारा पहला, क्या है ये गलत है, क्योंकि सभी अध्यापक लड़कियां नहीं है, ये हो गया हमारा गलत। नेक्स्ट है कि कुछ लड़कियां अध्यापक हैं। अब देखिए ये सर्किल हो गया हमारा ये लड़कियों का, और इसमें से इतना सा भाग ये क्या है अध्यापक का, ये वाला भाग क्या है अध्यापक का। तो इसके अनुसार से ये क्या है, फिगर के अनुसार ये से ये सही है। अब आते हैं थर्ड में, कुछ लड़कियां छात्र हैं, कुछ लड़कियां। तो हमने कहा था कि जब कुछ की बात आ जाए तो आप क्या कीजिए, बाहर से अंदर की ओर इन कीजिए। अब देखिए कुछ लड़कियां छात्र हैं, लड़कियां यहां पे है लड़कियां, कुछ लड़कियां छात्र है, ये देखिए सही टर्म आ गया ना, लड़कियों के बाद आया छात्र, और यानी कि ये हमारा क्या है सही। अब एक और इसके अनुसार से भी फिगर के अनुसार देख लीजिए, ये हो गया लड़कियां टोटल सर्किल, और इसका कुछ भाग ये इतना सा भाग क्या है छात्र है, यानी कुछ लड़कियां क्या है छात्र है, ये सही हो गया। अब है नेक्स्ट कि सभी छात्र अध्यापक हैं। देखिए छात्र का क्या है ये सर्किल, और सभी छात्र अध्यापक है क्या, नहीं, कुछ छात्र भले है लेकिन सभी छात्र नहीं है, तो इसके अनुसार हमारा ये भी गलत हो गया। तो आपके ऑप्शन में जो मिलेगा कि एक ऑप्शन आपका रहेगा कि निष्कर्ष 2 और 3 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी साबुन स्वच्छ है, ये हमने बना लिया साबुन, और सभी साबुन ये टोटल के टोटल साबुन क्या है स्वच्छ है, और सभी स्वच्छ क्या है गीले हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग निष्कर्ष, कुछ स्वच्छ साबुन है, तो कुछ के लिए हमने क्या कहा आप बाहर से अंदर इन कीजिए। तो अब देखिए क्या कहता है, कुछ स्वच्छ, स्वच्छ कहाँ यहाँ आ जाइए, कुछ स्वच्छ क्या है साबुन है, देखिए बाहर से अंदर की ओर आ गया, यानी कि पहला क्या हो गया हमारा सही। अब ऐसे भी समझ लीजिए ये आपका स्वच्छ का सर्किल है, ये वाला आपका स्वच्छ का सर्किल है टोटल, इसमें से इतना सा भाग क्या है आपका साबुन है, यानी ये सही है हमारा। अब देखिए कोई स्वच्छ साबुन नहीं है, क्योंकि इसमें निगेटिव थॉट नहीं है और आपका इसमें आ गया, तो ये तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट आइए कि कुछ गीले साबुन है, कुछ गीले, अब आइए बाहर से आते हैं, गीले, कुछ गीले, गीले यहां से स्टार्ट हुआ, साबुन है, यानी ये भी टर्म हमारा क्या है सही है। अब ऐसे भी देख लीजिए ये आपका सर्किल क्या है गीले का, तो कुछ इसमें से कुछ भाग, ये इतना सा भाग कुछ गीला क्या है साबुन है, तो सही है हमारा। सभी गीले साबुन है, सभी के लिए आपको क्या करना है अंदर से बाहर की ओर जाना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी गीले यानी यहाँ पे रहना चाहिए ना गीले, या यहाँ पे सभी गीले साबुन है, ये हमारा सही नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि केवल 1 और केवल 3 यही दोनों क्या है हमारा सही है। तो आज का वीडियो आप सबों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।